नगर निगम रिसाली और जिला खनिज विभाग की टीम ने रिसाली की 8 भवन निर्माण सप्लायर के खिलाफ कार्रवाई की है। सप्लायर बिना अनुमति सड़क और सरकारी जमीन पर निर्माण सामग्रियां रखे हुए थे। खनिज विभाग ने निर्माण सामग्री जब्त कर प्रकरण दर्ज किया है। नगर पालिक निगम रिसाली के आयुक्त आशीष देवांगन की पहल पर नगर निगम और खनिज विभाग की टीम ने निगम क्षेत्र के व्यस्त मार्ग में शामिल कृष्णा टॉकीज रोड में आधा दर्जन से ज्यादा भवन निर्माण सामग्री सप्लायरों के संस्थान में दबिश दी। संचालकों द्वारा सरकारी जमीन पर निर्माण सामग्री रखकर व्यापार किया जा रहा था। इनकी सामग्रियों को जब्त कर खनिज विभाग द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया। हालांकि जब्त सामग्रियों को दुकानदारों को बाद में वापस लौटा दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि शासकीय जमीन पर भंडारण करना अपराध की श्रेणी में आता है, जिसे देखते हुए ट्रेडर्स संचालकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। पूर्व में भी ट्रेडर संचालकों को सरकारी जमीन पर सामग्रियां नहीं रखने चेतावनी दी गई थी। चेतावनी का असर नहीं होने पर ये कार्रवाई की गई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।